Hey guys and welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing great. So let's start the new vlog. तो guys आज हम लोग जा रहे थे जंगल लंगूर लाने और अभी टाइम हुआ है 9:30। एक्चुअली मैं मेरे कज़न दी को जाना था अपने ससुराल, वो मायके आए थे तो उनको अपने साथ लेके जाना था, तो फिर हम लोग आज सुबह सुबह ही जा रहे हैं। तो चलो फटाफट जाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो जंगल में कितनी ज़्यादा झाड़ियाँ और रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब कोई भी जंगल की तरफ इतना आता नहीं है और इस वजह से बहुत ही ज़्यादा झाड़ियाँ रास्ता नहीं है और मम्मा हमारे से आगे आगे जा रहे हैं। तो चलो हम भी फटाफट जाते हैं मम्मी के पीछे और लंगूर ढूंढते हैं। तो गाइज ये टाइसन भी पहुंच गया हमारे साथ जंगल, इसको घर पे चैन नहीं है। अगर कोई भी घर से कहीं जाता है तो ये पीछे पीछे आ ही जाता है। तो गाइज इधर से सारा लंगूर तोड़ा है, बहुत सारे लोग आते हैं, अभी तक हमारे को लंगूर नहीं मिला जो आपको पीछे दिख रहा था। एक्चुअली में ये लंगूर की तरह दिख रहा है बट ये लंगूर नहीं है। तो गाइज मम्मा बहुत आगे चले गए और मम्मी बोल रहे कि जल्दी जल्दी आ जा लंगूर ढूंढ ले, फ़ोन में ही लगी हुई है। तो मैं फटाफट लंगूर भी तोड़ती रहती हूँ साथ साथ में और आप लोगों को भी दिखाते रहती हूँ। और नीचे जैसे चलते हैं मम्मा के पास, उधर ही मिल सकता है हमारे को लंगूर। इधर तो आप देख ही रहे हो कि कुछ है नहीं, सारा तोड़ा हुआ है। तो गाइस अब हम काफ़ी नीचे आ गए घर से और यहाँ पे आपको लंगूर मिल ही जाएगा आसानी से, क्योंकि पानी के पास पास बहुत ज़्यादा होता है। तो एक्चुअली में हम लोग खड्ड के पास आ ही गए। तो गाइस चलो फटाफट लंगूर ढूंढते हैं और आप लोगों को भी मैं बाद में दिखाती रहती हूँ साथ साथ में। अभी हम फटाफट से लंगूर ढूंढ लेते हैं क्योंकि फिर लेट हो जाएगी घर जाने को, और घर में भी काम लगा हुआ था तो खेत में काम करने वाले आए थे, तो फिर जाके अभी लंच भी बनाना है। तो फटाफट से लंगूर ढूंढ लेते हैं और दीदी को भी जाना है, तो चलो ढूंढते हैं फटाफट से लंगूर। तो गाइस काफ़ी सारा लंगूर मिल चुका है, ये थोड़ा सा ही है। अब आप लोग ये मैं सोचना कि मैंने इतना सही लंगूर ढूंढा है, बाकी मम्मा के पास बैग में है तो वो मम्मा के पास है और ये थोड़ा बहुत जो और मिल रहा था तो मैं उसको उठा रही थी, बाकी मम्मा के पास बैग में रख दिया है। तो चलो आप लोग भी तब तक व्लॉग को इंजॉय करिए। अब जंगल में ज़्यादा कुछ तो गाइस होगा नहीं दिखाने के लिए, बस यही है कि हाँ आज मैं लंगूर के लिए आई थी। तो चलो आप लोगों को भी दिखाई देती हूँ थोड़ा बहुत। तो गाइस चलो फटाफट से तोड़ लेते हैं और लंगूर जो इधर मिल रहा था थोड़ा बहुत, और काफ़ी जगह मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत सारी झाड़ियाँ थी और रास्ता भी नहीं है।
तो इस वजह से मैं बीच बीच में व्लॉग नहीं कर पाई थी। और जहाँ पे मैं व्लॉग कर सकती हूँ वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बट कई जगह पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो गाइज़ मम्मा भी आ गए, मम्मा और मैं अलग अलग जगह पे तोड़ रहे थे लंगूर, क्योंकि एक ही जगह पे तोड़ते तो आपको पता नहीं मिल पाना था, तो इसीलिए मम्मा थोड़ा ऊपर जैसे गए थे और मैं थोड़ी अलग जगह पे थी। तो देखो ये हमने जो पहले का तोड़ा था, जो मैंने आपको पीछे क्लिप में बताया कि मम्मा के बैग में ये वो था, और अभी काफ़ी सारा और मिल गया है। तो चलो अब थोड़ा बहुत और ढूंढना है, पहले थोड़ा बहुत और तोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं वापस घर, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया घर पे काम कर रहे हैं खेत में, तो जाके लंच भी बनाना है। तो गाइज इस बार जंगल में शायद 1.5 साल के बाद आ रही हूँ, अभी तक मैं नहीं आई थी, आज ही आई हूँ। और पहले बहुत आते थे छोटे में, दादी के साथ दादी वगैरह आते रहते थे जंगल, तो हमें बहुत शौक होता था कि हाँ जंगल जाना है, दादी जंगल जा रहे हैं, तो बहुत मज़ा भी आता था। तो आज जंगल आके वापस से वही पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी कि हाँ हम दादी के साथ यहाँ आते थे, खेलते रहते थे, तो गाइज बहुत मज़ा आ रहा था। तो गाइज अब जंगल आने का इतना मौका नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है अब ज़्यादा जंगल कोई आता भी नहीं, और दादी भी अब नहीं आते हैं, तो कभी कभी आते हैं लंगूर वगैरह के लिए, ज़्यादा तो मम्मा भाभी वगैरह ही आते हैं, हम लोग नहीं आते हैं। वो आज मम्मा भाभी किसी काम से गए थे, तो इसीलिए ही मैं मम्मा के साथ आ गई थी, क्योंकि वो अकेले नहीं आए थे। तो आपको पता है जंगल में अकेले आने में थोड़ा डर तो लगता ही है, इसीलिए मैं मम्मा के साथ आई थी। तो गाइज मुझे तो जंगल आके बहुत अच्छा लगा काफ़ी टाइम के बाद, और यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि जब जंगल जाते हैं तो कितनी सुकून वाली वाइब्स आती है, वो एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, बस बता ही सकती हूँ। एंड आई होप आप लोगों ने भी ये व्यू इन्जॉय किया होगा। एंड प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और अब हम भी घर चलते हैं और आपसे थोड़ा आगे जाके मिलते हैं, तब तक जाइए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही मज़ा आता है, पहले हम यहाँ पे खेला करते थे पानी के बीच, और इस वॉइस को सुन के बहुत ही अलग ही वाइब आती है। तो गाइस बोलते हैं इस जंगल को बाय बाय, अब हम लोग जा रहे थे वापस घर की तरफ। इधर बिल्कुल भी, क्योंकि अब जंगल की तरफ कोई आता नहीं है ना, तो रास्ता झाड़ी झाड़ी वाला है। वो देखिए ऊपर मम्मी वहाँ पहुँच गए,
चलते हैं वापस घर। तो गाइस मम्मी हमारे से थोड़ा आगे है, तो हम भी थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं और थोड़ा आगे जाते हैं मम्मा के पास। यहाँ पे रास्ता तो बहुत ही खराब है, झाड़ियाँ झाड़ियाँ थी, बट अब हम थोड़ा ऊपर आ गए तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट ठीक ही है रास्ता, क्योंकि अब हम घर के नज़दीक ही आ गए हैं। तो चलो चलते हैं आगे। तो फाइनली हम मम्मी के पास पहुंच गए हैं और रास्ता तो आपने देखा ही था कि कितना ख़राब था। चलो कोई बात नहीं, जंगल में अब ऐसा ही रास्ता होता है, क्योंकि जंगल में कोई जाता नहीं है ना। पहले तो बहुत जाते रहते थे जंगल, तो रास्ता ठीक किया होता था, बट अब तो ऐसे ही रास्ते में जाना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, जिस काम के लिए हम गए थे वो तो फाइनली हो ही गया है, लंगूर मिल गया है। चलो अब चलते हैं घर। सो गाइस आगे हम वापस, और अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।